नमस्कार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के सफाई कर्मियों की टीम ने बैराज क्षेत्र के आस्था पथ पर सफाई व धुलाई अभियान चलाया। गौरतलब है कि निराश्रित पशुओं की वजह से गंदगी से अटे इस हिस्से में संस्थान के सफाई कर्मियों की टीम करीब एक पखवाड़े से नियमित स्वच्छता अभियान चला रही है। कांत के निर्देश पर संस्थान के सफाई कर्मियों की टीम ने सोमवार को चीला बैराज मुख्य गेट से आवास विकास कॉलोनी स्थित गंगा आरती स्थल तक सघन क्लीनिंग अभियान चलाया, जिसके तहत आवारा पशुओं के गोबर व गंदगी से अटे आस्था पथ के इस भाग को सफाई अभियान चलाकर चमका दिया गया। गौरतलब है कि निदेशक एम्स के निर्देश पर संस्थान के सफाई कर्मी लगभग दो सप्ताह से आस्था पथ पर बैराज मुख्य गेट से गंगा आरती स्थल तक तड़के स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को आस्था पथ को धुलाई कर चमका दिया गया, जिससे तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को पथ पर भ्रमण करने के दौरान गंदगी से परेशान नहीं होना पड़े। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने बताया कि गंगा तटों को स्वच्छ रखना हम सब का नैतिक दायित्व है। इसके लिए हमें नदी तटों को गंदगी से बचाने की शपथ लेनी होगी, जिससे मोक्षदायिनी गंगा को भी प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अभियान में एम्स के स्वास्थ्य निरीक्षक सचिन कुमार चौधरी, चीफ सुपरवाइज़र मधुसूदन सेमवाल, सुपरवाइज़र बिरजू बबलू के अलावा 13 सफाई कर्मियों की टीम शामिल थी, जिसमें गगन, संजय, रजत आदि शामिल रहे। नेशन न्यूज़ के लिए ऋषिकेश से ओम रतोड़ी की रिपोर्ट। त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना, जो 10 सितंबर से शुरू है, तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन में। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।
नेशन न्यूज़ के लिए हमीरपुर से रमित शर्मा की रिपोर्ट।